पहले तो खान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये सारी पाकिस्तान को उजागर किया। मेरा 30 साल एज है, इससे पहले हमें कोई इसके इलम नहीं था। तो सबसे पहले हम उनको दुआ देना चाहिए, हमें पूरे कौम पाकिस्तान को, कि ऐसा लीडर हमें अल्लाह ने हमें दिया है तो उनके साथ देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप इंटरव्यू ले रहे थे इधर के जो मौलवी साहब से कि उसादत से, ये मौलवी साहब भी जान चुका है, इसको यहूदी ना कहें तो ये सारे उनकी तालिबान जो है ना, ये भी इमरान खान के साथ साथ देते हैं। ये अपर कोहिस्तान में जो अभी हमारे तहसील की जो इलेक्शन हुई है वहाँ पे काफ़ी तादाद में, कसीर तादाद में जमायत उलमा इस्लाम के टिकट पे भी लोग वहाँ लड़ रहे थे इलेक्शन। और दूसरी तरफ से हमारे मलिक इदरीस साहब था, वो जीत चुका है अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि कसीर तादादों में आकर जुग दर जुग लोग पीटीआई में शामिल होते थे केपी के आखिरी डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान में। तो लोग जान चुके हैं ये बंदा सच्चा है, इसमें गैरत है, गैरत एक चीज़ देता है, वो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इंसान को ऊपर उठाता है, ये हकीकत है। ठीक है, ये हमारी बस की बात नहीं है, इसने जो है ना अल्लाह के रास्ते जो है ना अपनाया है, अल्लाह को पकड़ा है इमरान खान, अल्लाह ने उसको इज्जत भी दिया है और गैरत भी है। ये सबसे पहले बहुत बड़ी फख्र है हमारा, जनरल असेंबली में गया उसने वहाँ खुल कर बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये गैरत देता है, ये इंसान को ऊपर उठाता है। 52 मिनट कुछ सेकंड मेरे ख्याल में बात किया, हमें उस पर फख्र है, ठीक हो गया। दूसरी बात जो है ना, ये 30 साल से हमें इनमें मनी लॉन्ड्रिंग हो, दूसरा करप्शन हो, ये हमें समझ ही नहीं था। बारी था एक बेकारी जरदारी और दूसरा वो क्या है ये लोहार, अभी वो वहाँ लंदन बैठा हुआ है। तो हमारा यही दुआ है, हम जब भी हम खान साहब की अमीन हैं तो अभी तक एक जलसे भी नहीं छोड़ा हो, सब जलसे भी जाते हैं, सब जलसे में मीनार पाकिस्तान उस दिन उस वक्त वो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, हम आए वहाँ मौजूद थे, उस वक्त इसकी केपीके गवर्नमेंट थी खान साहब की, जहाँ पे हमें शिलिंग का सामना पड़ा। सबसे पहले हमारे कोहिस्तान के नौजवान थे, इतनी बेदर्दी से हमें शिलिंग किया, 3 दिन हम भूखे रहे स्वाबी इंटरचेंज पे, न पानी था न कोई खाना पे, इतनी तशद्दुद, ये जान चुके हैं, इनके हाथ से निकल गए हैं, कौम इमरान खान के साथ दे रही हैं। ये असल ताकत है ना कौम की है, ये देखो जो कल हमारा वो पंजाब की इलेक्शन हुई वो भी काफ़ी उनकी हुकूमत होने के बावजूद, ये एक तरफ से ये कुकड़ी था, दूसरी तरफ बाप, दोनों चीफ मिनिस्टर और सीएम साहब दोनों होने की वजह से हमने जीत शिकस्त दिया। ये वजह है, लोगों को समझ आई है, अभी ये 75 साल से आज तक लोग जो है ना लोगों को लूट रहे हैं, खून पीस रहे हैं इनके, सब जो भी तालिब इलम हो, उलमाए कराम हो, कौन सच्चा है कौन झूठा ये सब जान चुके हैं। आजकल जो है ना लिखा पढ़ा के बगैर जो है ना वो भी जान चुका है कि कौन किस में क्या है और किस तरफ जा रहा है। हकीकी आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये छोड़ के दूसरे रास्ता अपना रहे हैं ये लोग, ये इसकी तनकीद कर रहा है अभी कि भाई अभी ये जो है ना इमरान खान, तो आपको पता है बैन अवी सतह भी उनके इमेज ठीक था, वो सारे पाकिस्तान बल्कि दुनिया जानते थी इमरान खान, इतनी कितनी कुर्बानियाँ हैं, आहिस्ता आहिस्ता 50% से भी 70% पर पहुँच गया, मेरे यकीन से कह रहा हूँ कि 2/3 से ये जीत जाएगा। आपको यकीन है? यकीन है इंशाल्लाह। खान साहब से मैं कई दफ़े प्राइम मिनिस्टर मिले, जब भी बने नहीं मिल सका, 3-4 दफ़ा मिले हम अपने बड़ों से, वीली सुपट एक नाम है बहुत खूबसूरत, वहाँ जुल्फी बुखारी भी था हमारा गवर्नर होते उस वक़्त, शाह फरमान साहब भी आए थे उस वक़्त, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वहाँ हम घूमे फिरे, वहाँ सैर व तफरी किया, और हमारे वहाँ रोड हम खचरू पे जाते हैं वहाँ इसी वक्त भी, अभी ये फेस्टिवल प्रोग्राम हमारे अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट से ये डीसी साहब चला गया है, काफ़ी लोग गए हैं वहाँ, लेकिन वहाँ से होते हुए खचरूप में जाते हैं, क्योंकि इनकी पहले जो गवर्नमेंट थी एमपीएस एमएनएस थे, आज तक 75 सालों में एक रोड भी नहीं दिया है, 60,000 के लगभग आबादी है हमारे, वीली सुपट आप गूगल पर सर्च करें तो आपको नज़र आएगा,
इनकी खूबसूरतियाँ लोग तरस रहे हैं, लेकिन दुश्वारी यह है ये 75 सालों से ये खा रहे हैं, लूट रहे हैं पाकिस्तान को। तो हमारे भी यही अपील है कि लोग इमरान खान के साथ दे दें, क्योंकि ये खुद अपने ये एक ही बंदा है। अभी देखो नवाज़ हो गया या दूसरा हमारा वो जरदारी हो गया, बेटा आता है दूसरा कोई अच्छा वजारत है तो दूसरा पोता आता है, पोती आता है, बारी बारी है। इस तरह मौलाना साहब को हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बारह वो उलमाए दीन है, हमसे बेहतर हैं। लेकिन हमारे यही रिक्वेस्ट होगी उलमाए करम जो फजल रहमान साहब से कि हुजूर पाक अलैहि सलाम दोनों जहानों का सरदार था, जब भी वो जाते थे खुद पैदल दावत देने के लिए, अगर इमरान खान जो है ना ये यहूदी का एजेंट है तो उससे जाकर मिले और तनकीन से अच्छे प्यार और मोहब्बत हिकमत से दावत दें, तो वो अब उससे यही होना चाहिए। लेकिन वो नहीं करता है, ये सब जान चुका है कि सारी जंग कुर्सी की है, लेकिन हमसे फिर भी ये हमारे अगर मौलाना साहब ने हमारे खान साहब को थोड़ा बहुत ज़्यादा बताया ना, मेरा यही रिक्वेस्ट होगी खान साहब से, मौलाना साहब को छोड़े आप अलहदा, वो उलमाए कराम में बड़ा भी है उम्र के लिहाज से, हमें थोड़ी सी उनकी हक उम्र करनी चाहिए ना, तो हम करते हैं। तो यही हमारा रिक्वेस्ट थी जो, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।